व्हाट्सएप पे वेलकम 2021। आई डोंट थिंक इससे अच्छा कोई दिन हो सकता है ये वीडियो डालने के लिए, क्योंकि भाई ये साल का पहला दिन है और इसी दिन सबसे ज़्यादा लोग रिजोल्यूशन लेते हैं और उसके अगले ही दिन सबसे ज़्यादा लोग रिजोल्यूशन तोड़ देते हैं। बट नॉट दिस टाइम, इस साल आप रिजोल्यूशन लोगे और भाई उसे पूरा भी करोगे, क्योंकि भाई मैं तीन चीज़ें बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके अपने रिजोल्यूशन पूरे कर सकते हो, कितने ही बड़े रिजोल्यूशन हो। और इन्हीं तीन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी मेरा नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में, एंड आई गारंटी कि आपकी भी हेल्प करेंगे अगर आप कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हो। बीट मेकिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल और लर्निंग अ न्यू स्किल लाइक सिंगिंग, डांसिंग, स्केच मेकिंग और एडिटिंग, और इवन स्टार्टिंग अ न्यू स्टार्टअप बिजनेस। अब मेरा कोई स्टार्टअप बिजनेस नहीं है, बट आई गारंटी कि भाई आपकी मंजिल और मेरी मंजिल भले अलग है लेकिन रास्ते सेम ही है। तो आइए अब बात करते हैं उन तीन चीज़ों की जो मैंने फॉलो करी और आपको ही फॉलो करनी चाहिए अगर आपको अपना रिजोल्यूशन पूरा करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज है स्टार्ट वेयर यू आर। भाई किसी भी प्रोसेस को सबसे मुश्किल होता है उसे स्टार्ट करना, और एक बार आपने कोई चीज स्टार्ट कर दी तो भाई बाकी की चीजें अपने आप होने लगती हैं। ज्यादा टाइम मत लो कोई नई चीज स्टार्ट करने में, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। रेडी होने में ज्यादा टाइम मत लो कि मैं जब मेरे पास ये सारी चीजें हो जाएंगी तब मैं कोई चीज स्टार्ट करूंगा, या मैं कल से कोई नई चीज करना स्टार्ट करूंगा, या मैं अगले वीक से कोई चीज स्टार्ट करना शुरू करूंगा। बल्कि आप जहां पे हो वहीं पे वो चीज स्टार्ट कर दो करना, और फिर उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते रहो आपको जो जो कमियां लग रही हैं। तो भाई आपको कोई बहुत बड़े प्लान की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है कि आप कोई नई क्रिएटिव चीज स्टार्ट कर सको। और आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करोगे तो आप सिर्फ एक चीज कर रहे हो कि आप अपने प्लान को डिले कर रहे हो, और आप नोटिस करोगे कि आपसे कोई बहुत कम टैलेंटेड वो चीज़ कर चुका होगा और लोगों की अप्रिसिएशन भी ले चुका होगा, और आप उस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ सोचोगे कि आई विश आई स्टार्टेड सूनर, कि अगर मैंने पहले स्टार्ट कर दिया होता वो सारी अप्रिसिएशन मुझे मिल रही होती। भाई मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था जब मुझे पहला वीडियो डालना था, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं ये एक्स्ट्रा कर दूंगा वो एक्स्ट्रा कर दूंगा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा था, और उससे सिर्फ एक चीज़ हो रही थी, मैं अपने वीडियो को डिले कर रहा था। और तभी मैंने किसी से सुना, किसी यूट्यूबर से ही सुना था, योर फर्स्ट वीडियो विल बी योर वर्स्ट वीडियो, और भाई ऐसा ही हुआ। मेरा पहला वीडियो जो था वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर मैंने अपना पहला वीडियो नहीं बनाया होता तो अभी मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो भाई कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई आप जो भी चीज़ आपको करनी है उसे स्टार्ट कर दो, इंप्रूवमेंट ऑन द वे होती रहे। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, यूज़ व्हाट यू हैव। अब यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा लोग रुक जाते हैं कि मुझे कल से रनिंग पे जाना है लेकिन रनिंग शूज़ नहीं है, मुझे नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है लेकिन एक अच्छा कैमरा नहीं है, मुझे गिटार सीखना है लेकिन एक अच्छा गिटार ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो भाई अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करोगे जो आपके पास नहीं है तो भाई आप कभी कोई चीज़ नहीं कर पाओगे, बल्कि आप उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपके पास हैं और उनको आप कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो और आपके पास एक अच्छा कैमरा नहीं है, आप एक अच्छा कैमरा लेने की सोच रहे हो, तो भाई आप डिले कर रहे हो। इससे बढ़िया आप अपने फ़ोन से वीडियो बनाना शुरू करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ फ़ोन से वीडियो बना के 100K सब्सक्राइबर्स पार करे हैं। अगर आप गिटार बजाना सीखते हो, एक अच्छा ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई यूट्यूब से बजाना सीखो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप गिटार एकदम प्रोफेशनल की तरह बजाना नहीं सीख पाओगे, बल्कि शुरुआत में गिटार की बजाना सीख जाओगे, लेकिन आपके अंदर इतनी डेडिकेशन होगी तो आप फाइनली गिटार बजाना भी सीख जाओगे। अगर आपके पास रनिंग शूज नहीं है तो भाई अपनी स्लीपर्स डालो और रनिंग के बजाय मॉर्निंग वॉक पे जाओ। भाई लाइफ कोई 100 मीटर स्प्रिंट रेस नहीं है कि आपने शूज डाले और भागना शुरू कर दिया, बल्कि लाइफ इज अ मैराथन। आपको सिर्फ भागते रहना है और किसी भी तरीके से फिनिश लाइन को टच करना है। हो सकता है आप बीच में गिर भी जाओ, लेकिन तब सिर्फ आपके ऊपर होगा कि आप फिर से उठना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। या तो आप आराम से रिलैक्स करो, क्विट कर दो और आगे ना भागो, या तो फिर आप धीरे धीरे कभी भागो कभी तेज भागो और किसी भी तरीके से फिनिशिंग लाइन को टच करो। योर स्पीड डजंट मैटर, फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड, सो कीप गोइंग। तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, डू व्हाट यू कैन। तो भाई आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके दोस्त क्या कर रहे हैं या आप जिन यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या ऐसी चीज़ कर सकते हो जो दूसरों से अलग होगी और आप उसे बेस्ट वे में कर सकते हो, और उस पर आपको कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करना है, और सबसे पहले उसको आपको स्टार्ट करना है करने के लिए। और अगर आपको लगता
लगता है कि आप में कोई कमी है, आप परफेक्ट नहीं हो, तो आप मेरी एक चीज़ लिख लो कहीं पे, नेवर लेट परफेक्शन गेट इन द वे ऑफ गुड इनफ। स्पेशली अगर आप कोई क्रिएटिव इंसान हो और कोई क्रिएटिव चीज़ करते हो तो भाई परफेक्ट होने का वेट मत करो। परफेक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से नीचे है तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। लेकिन भाई रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लोगों को ज़्यादातर भाई अच्छी चीज़ें और कभी कभी एवरेज चीज़ें पसंद आती हैं। सिर्फ एक इंसान है जिसको परफेक्शन चाहिए होता है और वो है खुद आप। यू आर योर वर्स्ट क्रिटिक। ये चीज़ कहीं लिख लो अच्छे से। आपको सिर्फ अपनी चीज़ें पसंद नहीं आती, बाकी लोगों का आप वो चीज़ दिखाओगे तो उनको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। तो आपको अगर से परफेक्शन आपको होल्ड कर रही है, आपको पीछे खींच रही है, तो भाई उसके पीछे मत भागो, बल्कि कोई भी काम करना है स्टार्ट करो और उस पर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करो और अपने कॉन्टेंट को इम्प्रूव करते जाओ। एंड प्लीज़ स्टॉप बींग अ जर्न, स्टार्ट सीइंग योर कॉन्टेंट एज एन आर्टिस्ट। लोगों को अच्छी चीज़ें पसंद आएंगी। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अ वन परफेक्ट पिक्चर इज़ जस्ट अ पिक्चर, बट 10 गुड इनफ पिक्चर्स क्रिएट्स अ स्टोरी। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू हार्ड टू बी परफेक्ट, rather focus on good enough things. So that's it for this video. I hope आपको ये तीन चीज़ें help करेंगे आपका इस साल का resolution पूरा करने में। और हाँ, इस साल का मेरा resolution है कि मुझे कैसे भी करके 10,000 subscribers पार करने हैं, जो मैं करके रहूँगा। So again, if you are new to this channel, then please consider subscribing. और अगर वीडियो पसंद आया है, then make sure you hit that like button. Rishi Nishad signing off. Have a great year ahead.